पहले एक दूसरे को अलग अलग मंचों से कोसने के बाद अब एक बार फिर से ये फ्रेनेमीज यानी कि कभी एक दूसरे के दोस्त तो कभी एक दूसरे के दुश्मन साथ आते नजर आ रहे हैं। एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे एक मंच पर लातूर में नजर आएंगे। इससे पहले ये दोनों दिसंबर 2016 में मंच को एक साथ शेयर किए थे और उस वक्त अरब सागर के तट पर छत्रपति शिवाजी महाराज स्मारक के आधारशिला को लेकर दोनों वहां पहुंचे थे। और अब इन दोनों ही नेताओं की पार्टी एक बार फिर से महाराष्ट्र में गठबंधन बना ली है और इसी के बाद से यहां पर इनके नेताओं के एक दूसरे से बात करने के सुर भी बदल गए हैं। तो अब ये दोनों ही नेता आज लातूर और उस्मानाबाद में जनसभा को संबोधित करेंगे। लातूर और उस्मानाबाद को कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। वैसे तो 2014 में मोदी लहर के कारण लातूर में बीजेपी के सुनील गायकवाड़ चुनाव जीते थे, लेकिन इस बार बीजेपी ने यहां पर उनके जगह सुधाकर तुकाराम श्रृंगारे को चुनावी मैदान में उतारा है। अगर उस्मानाबाद की बात करें तो 2014 के लोकसभा चुनाव में शिवसेना के रविंद्र गायकवाड़ सांसद चुने गए थे, लेकिन इस बार उनका भी सीट नहीं दिया गया है और इस बार शिवसेना ने ओम रोज निंबाकर को उम्मीदवार घोषित किया है। अब आज के इस रैली का लातूर और उस्मानाबाद के लोगों पर कितना असर पड़ता है और कितने लोग अब की बार बीजेपी और शिवसेना के उम्मीदवारों को वोट देते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। SPN9 न्यूज से अनुश्रुति की रिपोर्ट।